नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रानी इंसा जी हैं, जो पिछले 25-26 सालों से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार रानी जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। रानी जी, 25-26 सालों में आपने कैसा माहौल देखा? हम तो बहुत ही पिताजी का देखा, इतना घर का नहीं देखा कितना पिताजी का माहौल देखा। हम तो देखेगा बहुत ही अच्छे पिताजी, इतने भलाई काम करते, इतना काम करते, बस दुनिया ने उसको पिताजी को बस कर दिया, बेटा कर दिया। आश्रम में लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है, इसकी कोई है ही नहीं गलत गाल, कोई भी लड़कियों वास्ते कोई गाल बेटा कोई है ही नहीं गाल गलत। हम क्यों कहेंगे, हमारा तो गुरु है, माता बाप है, इतना बाप नहीं करता कितने इसने मानू हमने सारे दिए बेटा दिया, इसने बेटा दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको, मतलब भी जो भी गुरु जी के बारे में दिखाया गया था वो गलत है? ऐसा दुनिया का क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना? आरोप तो वे गलती है, आरोप लगा रखे ना दुनिया, अपन दुनिया बीच में थोड़ा बार देख लेंगे। दुनिया तो मुंह में कोश मर्जी बोली जो बोली जाती बोली सच जाती क्या है, सच सब बिल्कुल सच है, पिताजी सच है। उनका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल बढ़िया स्वभाव, इतना मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। उन्होंने किया क्या है समाज के लिए? हम तो पिताजी को मेरे बेटे का नाम पिताजी ने खुद रखा था संतोष, पिताजी ने बात खुद करी है, मैं बेटा उसने पिताजी ने रखा नाम मेरे बेटे। करैक्टर कैसा लगता है आपको? बिल्कुल बढ़िया लगता है, हम तो लगता है बेटा लगता है। उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किए हैं? लोगों बहुत काम करी है, भलाई के सारे काम इधर पिताजी ने करे, बेटा करे भलाई के काम। क्या जरूरत है समाज को? जरूरत है पिताजी बाहर आना चाहिए। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? सरकार को मांगे कहेंगे पिताजी को बाहर निकाल दो, बस सारा गुरु है सारा बाप है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जो मांग है गुरुजी के लिए समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट।